सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग्स के बारे में। इंडिया में ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्जॉटिक पेट्स है। इंडिया में देखें तो ये बहुत ही कॉमन भी नहीं है और बहुत ही अनकॉमन भी नहीं है, क्योंकि आप अगर ढूंढे तो एक अच्छा हेजॉग मिल सकता है। सो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज हेजॉग्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया में भी हेजॉग्स मिलता है जो इंडियन स्पीसीज है, पर आपको पता होना चाहिए जो इंडियन स्पीसीज होता है वो इलीगल होता है। तो इसलिए कोई भी इंडियन स्पीसीज, मतलब कोई दूसरा भी अगर कोई इंडियन स्पीसीज का पेट्स है तो उसे आप मत पालिए। ये जो हेजॉग्स है ये अफ्रीकन है, मतलब ये इंडिया का नेटिव नहीं है, तो फिर आप इसको इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी पेट्स को पालने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कितना बड़ा होता है या फिर कितना दिन तक रहता है, तो उसी के हिसाब से आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन लेंगे। तो अगर बात करें हेजॉग्स की, तो ये जो हेजॉग्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन होता है 7 से 10 ईयर्स, मतलब जो हाईएस्ट रिकॉर्ड देखा गया है वो 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा होगा, पर ये एवरेज अगर देखें तो 6 से 7 साल तक इजीली जी सकते हैं। और अगर बात करें इनकी साइज की, तो ये हेजॉग्स 15 से लेके 18 इंचेस तक होते हैं, इसके अंदर ही इनका साइज रहता है। तो इसलिए इसका मतलब ये कोई बहुत ही बड़ा एनिमल नहीं है, आप इजीली अपने घर में एक 2x2 के केज में या फिर 2x3 के केज में इसको इजीली रख सकते हैं। पर हाँ, अगर हम बात करें इनको कहाँ कैसे रखें, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वायर वाला जो केज होता है, मतलब जिसका निचला ऊपर सब जगह नेट होता है, उस टाइप के केज में आप किसी भी हेजॉग को मत रखिए। इसका मेन कारण यही है कि अगर आप अपने वायर वाले केज में अपने हेजॉग्स को रखेंगे तो उसके पैर में बहुत तरीके का फ्रैक्चर आ सकता है, उसका पैर में चोट आ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए एक ऐसे जगह पर रखना, मतलब हो सकता है आप किसी एक्वेरियम पर रख रहे हो या फिर ऐसे किसी वुडन के फ्लोर पर रख रहे हो जिधर नीचे का जो सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ होगा, उसके ऊपर आप कुछ बेडिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा। बात करें अगर इनके एनक्लोज़र की, मतलब जिधर आप इन अपने जो हेजॉग्स हैं उनको रखेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ आपका जो एनक्लोज़र होगा उसके एक तो पहला होगा कि उसका जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो एकदम जो बेडिंग मटेरियल होगा, मतलब आप लकड़ी का बुरादा या न्यूज़पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसको रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, उसके एनक्लोज़र में 24 आवर्स वाटर का एक बॉल या फिर वाटर फीडर आप रखिए। वाटर फीडर से अच्छा होगा आप वाटर बॉल ही लगे, क्योंकि उसको जितना पानी पीना है वो ईजिली पी पाएगा, इसलिए एक वाटर बॉल उसके जो एनक्लोज़र उसमें ऑब्वियसली रखिए। और दूसरी बात, उसके एनक्लोज़र में एक हाइडिंग प्लेस और एक एक्सरसाइज करने के लिए जो व्हील मिलता है, जो हैमस्टर के लिए भी मिलता है, वो आप यूज़ कीजिए। क्योंकि हाइडिंग प्लेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वो हो सकता है डर जाए या फिर वो रेस्ट लेने के लिए वो हाइडिंग प्लेस ढूंढता है। तो इसलिए अगर आप अपने जो एनक्लोज़र हो गए उसके अंदर हाइडिंग प्लेस रखेंगे तो आपका जो हेजॉग्स होगा वो ईजिली रह पाएगा। और जो हैमस्टर के लिए जो व्हील मिलता है, मतलब जिसमें वो दौड़ते हैं, वो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने हैमस्टर जो हेजॉग्स होंगे उसको अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो ओवरवेट हो जाएगा, इससे उनके उनका जो हेल्थ होगा, मतलब आपका जो हेजॉग्स है उसका जो हेल्थ होगा उसमें बहुत तरीके का डिजीज आ सकता है। इसलिए आप जो एक्सरसाइज व्हील मिलता है हैमस्टर के लिए वो अगर उसमें लगाएंगे तो देखना जो हेजॉग्स होंगे वो भी बहुत ही प्ले करेंगे और उसमें उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनक्लोज़र के बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो है उनका डाइट। आप अपने हेजॉग्स को खाने में क्या दें, तो एक बात जान लीजिए, जो हेजॉग्स होता है वो ओमनिवोरस होते हैं, मतलब ये लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंसेक्ट सब कुछ ही खाते हैं। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट देना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको उनका जो डाइट होगा उस हो सकते हैं आप 3 टाइम्स खाना दे रहे हो, तो हो सकता है आप सुबह को उनको बॉयल करके कुछ वेजिटेबल्स दीजिए, मतलब जैसे पालक, धनिया, इस तरीके का कुछ भी वेजिटेबल्स उनको बॉयल करके दीजिए। उसके बाद 1 टाइम उनको फ्रूट्स दीजिए, जैसे कि एप्पल, बनाना, इस टाइप का कुछ फ्रूट्स दीजिए। और शाम के टाइम अगर आपके पास अवेलेबल हो, मतलब आपके एरिया में अगर मील वर्म्स या फिर जो बड़े बड़े जो वर्म्स या फिर जो इंसेक्ट होते हैं अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो तो वो दीजिए, वो तो सबसे बेस्ट है। पर अगर आप ये जो इंसेक्ट है इनको अगर आप अवेलेबल नहीं करा सकते तो आप एक अच्छी क्वालिटी का जो कैट फूड मिलता है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि कैट फूड में भी इतना न्यूट्रिशन होता है जो एक हेजॉग को प्रॉपरली तरीके से लगता है। तो इसलिए एक अच्छे क्वालिटी का अगर कैट फूड देंगे तो इनसे भी उनका काम चल जाएगा। इस तरीके से आप एक बैलेंस डाइट बना लीजिए। पर हाँ, खाने के मामले एक चीज़ याद रखना, जो ग्रेप्स मतलब जो अंगूर होता है और जो एवोकाडो होता है ये हेजॉग्स के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, ये अपने हेजॉग्स को गलती से भी मत दीजिए, ये इनके लिए टॉक्सिक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
सो बात करें अगर इनके केयर की, तो इनका केयर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक जो हेजॉग होता है उनको इजीली केयर कर सकते हो। इनके केयरिंग के लिए आप अगर आप छोटे बचपन से अगर किसी छोटे हेजॉग्स को पाल रहे हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप बचपन से अपने हेजॉग्स को पालेंगे तो वो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा और आपके ऊपर बाइट करने का या फिर आपको अगर टच करोगे तो वो बॉल बन जाने का चांस भी बहुत कम रहता है, क्योंकि जो हेजॉग्स होते हैं बहुत ही साई एनिमल होता है। मतलब अगर किसी एडल्ट हेजॉग को सडनली उसको पकड़ने जाओ या फिर उसको टच करने जाओ तो देखना वो रोल बन जाता है और अपने जो स्पाइक होता है उसको स्ट्रेट कर देता है। तो अगर आप अपने बचपन से अपने हेजॉग को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे या फिर ज़्यादा नहीं, अगर दिन में 15 से 20 मिनट भी या फिर उससे अगर 10 मिनट कम से कम 10 मिनट भी अगर अपने हेजॉग्स को हर रोज़ दे पाए तो आपका हेजॉग बहुत ही अच्छी तरीके से टेम हो जाएगा और उससे आपको कोई खतरा भी नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपने हेजॉग्स को प्रॉपर टाइम ना देने के कारण वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर वो थोड़े साई हो जाते हैं। हो सकता है आप उसको टच करने जाए, हो सकता है वो अपने स्पाइक खड़ा करते हैं या फिर वो रोल बन जाए, या फिर कभी कभार तो देखा गया है कि हेजॉग्स थोड़े थोड़े बाइट भी कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने जो हेजॉग्स हैं उनको प्रॉपर टाइम देंगे तो इनमें इस किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और केयर की अगर बात करें, बहुत टाइम क्या होता है कि जो हेजॉग्स के जो स्पाइक होते हैं उसके अंदर जो होती है डस्ट या फिर मैल जम जाता है, तो जो टूथब्रश होता है या फिर इसी टाइप का कोई जगह सॉफ्ट ब्रश है तो उसको आप थोड़ा गीला करके या फिर ड्राई ही उसके ऊपर थोड़े थोड़े ब्रशिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका जो स्पाइक होगा उसका साइन भी बरकरार रहेगा और उसमें एकदम कोई भी किसी तरह के भी डस्ट नहीं रहेगा। इससे आपका जो हेजॉग है वो एकदम फिट रहेगा। सो बात करें अगर इनकी ब्रीडिंग की, तो इनका ब्रीडिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने हेजॉग्स को बहुत ही ईजिली ब्रीड कर सकते हो। जो हेजॉग्स होते हैं वो एक साल के उम्र में ही एकदम प्रॉपरली एडल्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका हेजॉग का उम्र एक साल या फिर उससे ज़्यादा है तो वो एकदम ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर है और ब्रीड करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने मेल फीमेल जो हेजॉग्स होते हैं उनको अगर अपने जो एनक्लोजर है उसको अंदर अकेले छोड़ दें या फिर मतलब उनको अगर टाइम दे प्रॉपरली तो वो इजीली ब्रीड कर जाएंगे और ब्रीडिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप हो सकते हैं आपके जो एनक्लोजर है उसके अंदर अगर हाइडिंग प्लेस होगा तो वो उसके अंदर ही ब्रीड कर जाएगा, या फिर चाहे तो आप हाइडिंग प्लेस के बजाय या फिर ब्रीडिंग के लिए भी उनको कोई ब्रीडिंग बॉक्स या फिर जो मार्केट में जो मटकी मिलता है वो मटकी भी आप दे सकते हैं जिसके अंदर हेजॉग इजीली फिट आए। इस तरीके का अगर कुछ चीज़ अगर आप अपने हेजॉग्स को देंगे तो वो प्रॉपर टाइम में वो ज़रूर ब्रीड करेगा और इनका ब्रीडिंग भी बहुत ही ईजी होता है। ये लोग भी रैबिट या हैमस्टर की तरह बहुत सारे बच्चे देते हैं, इसलिए इनका अगर आप चाहें तो अच्छी तरीके से ब्रीड भी ले सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही हेजॉग्स रखना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आप दो मेल या फिर दो फीमेल रखिए, क्योंकि इससे उनका जो ब्रीडिंग होने का चांस भी नहीं रहेगा और आप अपने जो हेजॉग्स के बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहे तो एक छोटा सा ग्रुप बनाने के लिए तो फिर उस ग्रुप में दो या तीन फीमेल रखिए और सिर्फ एक ही एडल्ट मेल रखिए, क्योंकि जो मेल होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही टेरिटोरियल होता है। वो एक मेल ही दो से तीन फीमेल को एक साथ हैंडल कर सकता है। अगर आपने जो ग्रुप होगा उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा एडल्ट मेल रख दिए तो वो भी जब ब्रीडिंग का टाइम आएगा वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्शन करेगा, मतलब वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा। इससे हो सकता है मेल या फिर फीमेल दोनों का ही कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। तो इसलिए अगर आप ग्रुप में रखना चाहते हैं या फिर ब्रीडिंग के तौर पर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो दो से तीन फीमेल के साथ एक मेल ही रखिए। और इससे भी अगर ग्रुप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही चार चार करके अलग अलग पोर्शन में रखिए, क्योंकि एक जगह अगर आप मेल फीमेल ज़्यादा रखेंगे तो उनमें लड़ाई होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो हेजॉग्स के बारे में। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन, और हाँ अगर आपको किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।